डियर स्टूडेंट, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम CBSE क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को करेंगे। विद इन सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे MCQs। अभी आपको पता है कि अभी जो एग्जाम टर्म वन होने वाला है उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, और उसमें वो भी जो सम जो आ रहे हैं वो कैसा सम आ रहा है, अभी MCQs बेस्ड, यानी आपको विद इन सेकेंड आपको आंसर फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस को मैंने लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया भी था, आपको पता होगा कि ये CBSE का जो सैम्पल पेपर था मैंने उसको सॉल्व करवाया था, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स ऐसे देखे गए थे जो ऑलरेडी पूछे गए थे। तो विद इन सेकेंड मैंने कैसे किया था वहाँ दिखाए थे। तो अब यहाँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डायरेक्ट दिखाऊंगा कि वहाँ से कुछ सम्स को मैं कैसे विद इन सेकेंड हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सम्स को करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है 3 sin theta + 2 cos theta / 3 sin theta - 2 cos theta। तो अब इस क्वेश्चन को, अब ये ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखोगे, यहाँ जो tan थीटा दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 4/3। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे इस सम को करने के लिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और आपको पता है ये अगर सपोज कोई एंगल यहाँ पे आप थीटा डिनोट करते हो तो इसके अपोजिट वाला, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, फिक्स्ड होगा ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब आप लोग क्या करोगे कि टेन थीटा होता है P/B, यानी हो गया ये 4, ये 3, देन ये हो गया 5। उसके बाद अब ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस लेके बाकी सभी को साइन निकालोगे, कोस निकालोगे, फिर साइन, फिर कोस, उसके बाद सॉल्व करोगे, कितना टाइम लगेगा। तो अब ये ना करके अब हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो देख, यहाँ देखोगे ये जो tan थीटा है 4/3, इसको आप ये लिख सकते हो 3 tan θ = 4, आप इसे लिख सकते हो, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 tan θ = 4, ठीक है। अब यहाँ देखोगे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 3 sin θ देन +2 cos θ / 3 sin θ देन -2 cos θ। तो इस तरह क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट आंसर बिना पेन यूज़ किए भी आप फाइंड कर सकते हो। तो कैसे करोगे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले ये tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin θ / cos θ। मालूम है आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू sin θ / cos θ। अब यहाँ देखोगे कि ये जो है sin cos, जब भी sin और cos का कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम क्या बना सकते हैं, tan थीटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर sin है उससे अगर हम डिवाइड किससे कर दें, cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो बन जाएगा क्या, tan थीटा। तो यहाँ देखोगे स्टूडेंट कि यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा, अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूँ बोथ साइड तो sin/cos ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये cos कैंसिल यानी 2, यानी कुछ ऐसा होगा, ये हो गया tan थीटा और ये हो गया +2। ये सारा काम माइंड में करना है मैं, और पहले अभी यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है अगेन 3 tan θ, ये भी हो गया cos से डिवाइड करोगे sin/cos 10, और ये माइनस cos कैंसिल, ये 2, और यहाँ का cos नीचे का, यहाँ का cos नीचे का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब 3 tan θ का वैल्यू इज इक्वल्स टू यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 + 2 यानी हो गया 6। अब यहाँ क्या है 4 - 2, 4 से 2 को माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 2, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो गया 3, यानी आंसर हो गया आपका 3। सो ऑप्शन नंबर ये C 3.0 यानी 3 है। तो अब इस क्वेश्चंस को अब हम लोग बिना पेन यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, तो इसका मतलब हो गया कि 3 tan θ इज इक्वल्स टू 4, यहाँ 3 होगा, 3 है। अब क्या करना है आपको, cos से डिवाइड करना है, यानी tan बनाना है, तो cos से डिवाइड करोगे तो ये cos ही बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan θ, कितना दिया हुआ है 4, 4 + 2 कितना 6, नीचे ये हो जाएगा 10, यानी 3 tan θ इज इक्वल्स टू 4, तो ये 4 माइनस ये cos खत्म, 4 - 2 यानी 2, तो 6/2 यानी हो गया आंसर 3। तो ये भी आपको करना ना पड़ा, ये भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड इस तरह से आंसर को फाइंड कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस अभी जो CBSE ने जो सैम्पल पेपर
ये किया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिला है, मैंने करवाया भी हूँ लास्ट वीडियो में, मैंने जो सैम्पल पेपर को सॉल्व किया हूँ वहाँ भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से प्रोसेस में मैंने दिखाया हूँ। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नंबर टू यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज, ये ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको कैसे करना है आपको। यहाँ दिया हुआ है क्या 5 tan थीटा, तो जब ये 5 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो आपका करना क्या है, यहाँ देखोगे कि 5 sin है, हाँ है, तो फिर क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ cos होगा, यहाँ भी cos है, तो cos से आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो cos से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा। तो 5 tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी 4 देन माइनस ऊपर है 3 देन डिवाइड बाई, अब यहाँ देखोगे अगेन यहाँ cos होगा, यहाँ भी cos है, तो एक cos से डिवाइड करोगे तो 5 sin थीटा बाई cos थीटा यानी 5 tan थीटा, और 5 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यानी हो गया यहाँ पे 4 देन बीच में प्लस है तो प्लस, और ये हो गया आपका 2, तो 4 से 3 गया यानी ऊपर 1, नीचे हो गया आपका 4 + 2 यानी 6, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 1/6 ऑप्शन सी। तो मैंने एक लिखा आपको ये माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे आपको विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है इफ़ 6² थीटा प्लस 10² थीटा इज इक्वल्स टू 7/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec² θ माइनस 10² θ इज इक्वल्स टू ? अब यानी आपका वैल्यू इसे फाइंड करना है sec² θ माइनस 10² θ, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे आप, यहाँ दिया हुआ है क्या sec² θ प्लस 10² θ इज इक्वल्स टू 7/12। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि 10 और sec के साथ एक कुछ कम्बिनेशन है, एक आइडेंटिटी है, तो क्या है 1 + tan²θ इज इक्वल्स टू sec²θ, ये आइडेंटिटी आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ हमें फाइंड करना है 2^4 माइनस 2^4, यानी अब यहाँ देखोगे अब इस फॉर्मेट को, यानी पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 और बीच में दिया हुआ है माइनस, यानी a² - b² के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी इस तरह से लिख सकते हो आप, a² - b², ये 2 हो गया आपका 4, ये 2 हो गया आपका 4। तो अब a² - b² को पता है a + b × a - b, यानी एक बार क्या करेंगे हम लोग इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे इसे माइनस में लिखेंगे। प्लस वाला वैल्यू आपका गिवन है 7/12, यानी ये जो प्लस वाला है sec² θ प्लस 10² θ इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है आपका 7/12 देन इनटू। अब इसका वैल्यू, ये जो आइडेंटिटी है, अब इस आइडेंटिटी से हम लोग निकाल सकते हैं sec², ये 10 उसट गया तो ये हो जाएगा आपका sec² θ माइनस 10² θ इज इक्वल्स टू 1, यानी इसका वैल्यू आपका हो गया 1 × 1, यानी आंसर हो गया 7/12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए एग्जाम में और वहाँ दिया हो कि sec² θ प्लस 10² θ इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ दिया हुआ है और आपसे पूछे sec²⁴ माइनस 10⁴θ का वैल्यू क्या होगा, तो सेम जो आंसर होगा वही आंसर होगा, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ अगर हम यहाँ पे सपोज अगर 5 ले लें और इसे वैल्यू पूछें आपको ये फाइंड करना है, तो आंसर क्या होगा आपका 5 ही होगा, यानी
अगर मैं यहाँ m दे दूँ और इसका वैल्यू अगर पूछा जाए आपसे तो आंसर क्या होगा, m ही होगा। क्लियर? तो याद रखोगे स्टूडेंट कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर जो भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका, वही क्या होगा, sec टू द पावर 4 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा का आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने क्वेश्चंस करके दिखा दिया आपको। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले जाओगे, एक बार सेम चीज़ आएगा और एक बार क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो हमारा वैल्यू देगा 1। तो 1 इंटू दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यही होगा। तो आंसर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। ये दिया हुआ है cos 177 डिग्री 178 डिग्री 179 डिग्री इज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन अभी जो MCQs बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका टर्म वन, यहाँ ऐसा क्वेश्चन आएंगे श्योर है। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखोगे कि सबसे पहले ये जो दिया हुआ है कोस वन से लेके कंटिन्यू है 179, तो कोस वन डिग्री से लेकर आपका कंटिन्यू है कोस 179। तो अब जब 1 से लेके कंटिन्यू 179 तक है तो इसके बीच में एक ऐसा टर्म आएगा जो कोस 90 डिग्री होगा, ठीक है। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है ना। कोस 1 इंटू कोस 2 देन इंटू कोस 3 इस तरह से डॉट डॉट है, देन इंटू 177 इंटू 178 इंटू 179। तो सारे जब इंटू है और बीच में एक 90 डिग्री आएगा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि जीरो होता है। तो जीरो से आप किसी को भी आप इंटू करोगे तो आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जीरो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन का अगर आ जाए एग्जाम्स में, बीच में अगर 90 डिग्री हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या लिखोगे आप, जीरो लिखोगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ कोट 30 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री डिवाइड बाय टेन 15 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकेंड करेंगे, तो सबसे पहले एक बार मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। यहाँ दिया हुआ है क्या, कोट 30 डिग्री माइनस कोट 75 डिग्री डिवाइड बाई 10 15 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री। अब स्टूडेंट आप बोलोगे कि 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, 60 का पता है, बट 75 और 15 डिग्री का वैल्यू तो आपको लर्न नहीं है, तो कैसे पुट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका भी एक टेक्निक है, विद इन सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा होते हैं, और अगर हम लोग लिखे उल्टा कोट 90 माइनस थीटा तो ये होता है 10 थीटा, ठीक है। इसे ही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा कैसे, अब यहाँ दिया हुआ है क्या आपका कोट 30 और यहाँ कोट 75। अब इस कोट 30 को लिख सकते हो कोट 90 माइनस 60, और इसे लिख सकते हो कोट 90 माइनस 15। जब एक ऊपर अगर चेंज किए तो नीचे चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, नीचे एज इट इज सेम ही रखना है 15 माइनस 10 60, या फिर नीचे चेंज करोगे तो ऊपर को सेम रखना है, याद रखोगे ये। अब यहाँ हो जाएगा, अब ये देखोगे कोट 90 माइनस थीटा, अब ये थीटा है, तो कोट 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे 90 इंटू 1। ये एस टी सी फार्मूला ये आपको मैं जो क्लास में दिखाया हूँ कि ए एस टी सी ऑल साइन टेन एंड देन कोस, ये क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ काम कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद हमारा जो 90 इंटू अगर ओड हो तो ये चेंज हो जाते हैं, और 90 इंटू इवन होने से चेंज नहीं होते हैं। तो ये मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा इसके ऊपर, डायरेक्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये अगर लर्न रखोगे तो ये डायरेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कोट 90 माइनस थीटा, यानी ये होगा चेंज होके कहाँ जाएगा, 10 के पास, तो ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। देन माइनस ये चेंज हो जाएगा क्या 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास कोट से चेंज होगा 10, कितना एंगल, ये 15 है। नीचे देखोगे आप सेम एंगल दिख रहा है आपको, 15 माइनस 10 60, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर हम लोग यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखोगे, ये जो है दोनों सेम है, यानी प्लस माइनस 1060, यहाँ माइनस 1060, प्लस 1015, प्लस 1015, यानी कैंसिल होके ये कितने टाइम्स में जाएंगे, वन टाइम्स, यानी माइनस वन हो जाएगा इसका आंसर, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैंने ये करके दिखाया कैसे होगा, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। 90 माइनस 30 यानी क्या हो गया, ये 30 लाने के लिए 90 से 60 माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 10। अब यहाँ से 90 से कितना माइनस करोगे, 15, यानी क्या है, अपोजिट है। अगर माइनस कॉमन करोगे तो बाकी तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस वन आंसर होगा, सो डायरेक्ट आंसर माइनस वन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा देन इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 0 एंड 1, -1। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए और यहाँ पे एंगल ना हो, जैसे सपोज़ यहाँ थीटा दिया हुआ है एंगल के जगह, ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट एंगल नहीं है कि 30 डिग्री है बस 60 डिग्री है बस 90 डिग्री, तो और आंसर जो होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे 1 है, 2 है, 0 है एंड देन माइनस 1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कौन सा एंगल, जैसे कि आपको एंगल 5 एंगल का वैल्यू आपको पता होगा, 0 डिग्री देन 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ये पाँचों वैल्यू आपको पता होगा सभी का कि क्या है। तो ये अब इसमें से एक वैल्यू को ऐसे कोई एज्यूम करना है और डायरेक्ट वैल्यू को क्या करना है आपको यहाँ पे पुट कर देना और वही आपका क्या हो जाए आंसर होगा। बस ये याद रखना है कि नीचे कभी भी आप वैल्यू जब पुट करोगे तो कभी क्वेश्चन यहाँ पे तो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, कहीं क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर पार्ट आ जाए तो वहाँ आपका ऐसा वैल्यू आप एज्यूम जो यहाँ से पुट करोगे वहाँ नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आ जाए तो उसका क्या होगा कि मीनिंगलेस हो जाएगा, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, मीनिंगलेस, तो वैसा वैल्यू हमें पुट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है कोट थीटा और कोसेक है, तो कोट जब भी रहे 10 रहे तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं 45 को लेंगे, क्यों लेंगे 45 को, क्योंकि क्या होगा कि 10 कोट थीटा और 10 थीटा अगर 45 अगर लेंगे, यानी कोट 45 और 10 45 क्या होता है 1 होता है आपको मालूम है, तो ये हम लोग क्या लेंगे, जब भी आपका कोट हो और 10 हो तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम हम लोग क्या लेते हैं 45 डिग्री लेंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 1 देन प्लस ये हो गया कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1, देन अगेन माइनस कोसेक 45 यानी साइन 45 का रिवर्स, साइन 45 होते हैं 1/√2, ये हो गया किसका, साइन 45 डिग्री का, तो कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा आपका रिवर्स, यानी √2 होगा सिर्फ, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे -√2। नेक्स्ट इस प्लेस में 1 10 थीटा यानी हो गया 1 देन प्लस 10 45 यानी हो गया आपका ये हो गया 1 एंड देन प्लस sec 45 यानी sec किसका रिवर्स होगा, cos का, यानी cos 45 डिग्री होगा 1/√2, तो sec हो जाएगा आपका √2, ठीक है। अब देखोगे कितना आसान सा हो गया, ये 1 प्लस 1 ये हो गया 2 देन -√2 और ये इंटू 1+1 ये अगेन 2 देन प्लस ये हो गया आपका √2, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट किए हैं, थीटा के प्लेस में 45 डिग्री को पुट किए हैं, ठीक है। तो ये अब हो गया a माइनस b, a प्लस b दोनों सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या होगा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर देन -√2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया आपका 4 एंड देन -√2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 से 2 गया यानी आंसर हो गया आपका 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप कैसे करना है मैंने दिखाया आपको, मैंने समझा भी दिया कि कैसे करोगे और किस वैल्यू को पुट करोगे जो आंसर आपका आ जाए।
जब वैल्यू क्या हो कि न्यूमेरिकल में आपका आंसर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 7/3 देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज, यानी आपको वैल्यू फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा देन माइनस साइन इसको सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे कि सबसे पहले आपको गिवन दिया हुआ है क्या, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 7/3, आपको वैल्यू फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर के साथ हमारा कुछ कम्बिनेशन है, यानी आपका पास आइडेंटिटी है, ये क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है ये सेक स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस में आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ये उसेट गया यानी माइनस 1 और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक सेक कैंसिल, अब बचा आपके पास माइनस 1। तो अब इस तरह इसका आंसर हो गया बी। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको ये जो दिया हुआ है इसका यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कुछ दिया भी हो और आपको फाइंड करना हो तो आइडेंटिटी यूज़ करके डायरेक्ट आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ ये यूज़ नहीं हुआ, तो स्टूडेंट अगर यहाँ से आप डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करोगे तो अब आंसर ला पाओगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, आप नहीं भी ना ला पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाए एग्जाम्स में तो क्या करोगे, अगर आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है तो आप आइडेंटिटी यूज़ करके आप आंसर को फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ 104° देन इंटू 1043° देन इंटू 1047° देन इंटू 1086° इज 2, 3, 4 एंड देन 1 इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 4 ऑप्शन। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 1° 2° कंटिन्यू है आपका 89 तक, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या 104° देन इंटू 1043° देन इंटू 1047° देन इंटू 1086°। तो स्टूडेंट यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, 10 अगर रहे तो आपको ये वैल्यू एक पता होगा कि 10θ इज इक्वल्स टू 1/cot θ, यानी 10θ किसके रिवर्स होते हैं, कोट का, यानी अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10θ देन इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये भी मालूम होगा कि 10 90 θ इज इक्वल्स टू कोट थीटा। तो अब इस क्वेश्चंस को देखोगे यहाँ दिया हुआ है 4, तो 90 से अगर 4 को माइनस करोगे तो यहाँ कुछ जो एंगल होगा, यानी 90 माइनस 4 करोगे यानी 86 है कि नहीं, तो यहाँ 86 है, ठीक है, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और अगर 90 से 40, अब यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि 90 से माइनस करें कि आपको 43 मिल जाए, तो 90 से 47 को माइनस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 43, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस ये हो गया आपका 86, यानी हो गया 90 से 86 माइनस करोगे तो ये हो गया 4, देन इंटू 10, इसे हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 47, अब इसको माइनस करोगे तो ये 43 ही आएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग एज इट इज सेम रख लेते हैं। अब यहाँ देखोगे कि 10 90 माइनस थीटा यानी हो जाएगा कोट थीटा, सो इसको लिख सकते हो कोट 86° देन इंटू, इसे लिख सकते हैं हम लोग कोट 47° देन ये हो गया आपका 10 47° देन इंटू 10 86°। अब ये कोट 86 10 86 10θ देन इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इन दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर यानी 1 देगा, देन इंटू ये 47 कोट 47 10 47, ये भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा, सो आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर डी।
तो इस तरह क्वेश्चंस डायरेक्ट मैंने ये करके दिखाया, आप विद इन सेकेंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। यहाँ देखोगे 10 4 है, तो ऐसा क्या लेंगे कि यहाँ पे 90 से अगर माइनस करें तो ये 4 हो जाए, यानी 90 माइनस 86। तो 10 यहाँ 90 माइनस 86 करेंगे, इधर कहीं है 10 86, हाँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कब होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तब, अदरवाइज ये नहीं होगा, प्लस माइनस होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है क्या, 10 47, यानी अब इसको 90 से क्या माइनस करें जो 43 आ जाए, तो 90 से 47 माइनस करना होगा तो 43 आएगा। अब ऑलरेडी 10 47 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा 1। तो मैंने करके दिखाया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है 10 1 डिग्री एंड देन 10 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से कंटिन्यू है 1089। तो 1 से अगर माइनस करें तो क्या होगा, 90 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएंगे आपका 89। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये हो जाएगा 10 1 की जगह आप इसे माइनस करोगे 90 माइनस 89, तो ये क्या मिलेगा, 10 1 ही होगा जो आपको देगा क्या, कोट 89। यहाँ ऑलरेडी 1089 है, इसी तरह से 2 के लिए करोगे तो ये कोट 88 होगा, और इसके इस साइड वाला जस्ट 89 के जस्ट पहले क्या होगा, 1088। इस तरह से सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा एक, तो आपका मिडिल में एक आएगा 10 45 डिग्री। ठीक है, और 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1, और ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर होगा आपका 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, 1। मैंने करके भी दिखा दिया, और कैसे होगा, कैसे हम लोग कैंसिल करेंगे, कैसे कौन सा एंगल किसके साथ कैंसिल होगा, मैंने आपको दिखाया। अब इस तरह के आंसर अगर आ जाए एग्जाम्स में तो डायरेक्ट आंसर क्या करोगे, आप 1 को टिक करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ कोट 10 डिग्री देन इनटू कोट 20 डिग्री देन इनटू कोट 60 डिग्री देन इनटू कोट 70 डिग्री इनटू कोट 80 डिग्री, और ये ऑप्शन है 1 माइनस 1 रूट 3 एंड देन 1 बाई रूट 3। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को एक बार यहाँ लिख ले रहा हूँ, 10 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री कोट 70 डिग्री एंड देन कोट 80 डिग्री। तो सेम मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को जो किया था, 10 वाला क्वेश्चन जो था 10 में, तो सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। इसे भी अगर हम लोग 90 से अगर 10 लाना है तो कितना माइनस करना होगा, यानी 80। इसे अगर माइनस करें तो 90 से कितना माइनस करना होगा, 70। अब देखोगे 80 और ये 70 आपके पास है कि नहीं है, हाँ है यहाँ पे 80 और 70। 60 को हम लोग माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ये जो कोट 60 डिग्री है इसको एज इट इज़ हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 80 डिग्री देन इनटू ये हो जाएगा कन्वर्ट होके 10 70 डिग्री देन ये हो गया आपका कोट 60 डिग्री। अब बाकी ये दोनों एज इट इज़ क्या होंगे, सेम रहेंगे, यानी 80 डिग्री। यहाँ भी ये दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब देखोगे 1080 और कोट 80 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1070 कोट 70 ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, बचा आपके पास कितना, कोट 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3। तो 1 बाई रूट 3 के साथ 1 को इंटू करोगे तो आंसर क्या होगा, 1 बाई रूट 3 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिखाया, विद इन सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मैंने दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ फिर हम लोग मिलेंगे।